एक्सरसाइज ट्वेंटी वन डी के क्वेश्चन नंबर टेन तक कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है द कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपी थर्टी फाइव पर स्क्वायर मीटर इज रुप सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इफ़ द विथ ऑफ द फील्ड इज फोर्टी मीटर फाइंड इट्स लेंथ ऑल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रुपी फिफ्टी पर मीटर देखिए कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ये गिवेन है कितनी सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज उसका रेट क्या है थर्टी फाइव रुपी पर स्क्वायर मीटर है पर मीटर स्क्वायर माने जो रेट आप कल्टीवेटिंग दिया है कल्टिवेटिंग मीन कल्टिवेट करना उसको फील्ड को माने जुताई करना तो वो आपका रेट गिवेन है उससे कास्ट ये गिवेन है इतनी अगर कास्ट को जो कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग है उसको अगर हम रेट ऑफ कल्टीवेटिंग से डिवाइड कर देंगे तो उस फील्ड का एरिया फाइंड हो जाएगा क्या फाइंड हो जाएगा एरिया और उस फील्ड की जो ब्रेथ है ब्रेथ कितनी दी है 40 मीटर गिवेन है तो लेंथ फाइंड करना है तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है लेंथ इन ब्रेथ होता है तो लेंथ लेंथ आपको फाइंड करना है और फोर्टी मीटर ब्रेथ है तो ब्रेथ को रखेंगे उससे हम लेंथ निकाल लेंगे और वो एरिया के इक्वल हो जाएगा उसे लेंथ गए जब लेंथ निकाल आए तो आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड तो फील्ड को फेंसिंग कराना है फेंसिंग माने कहां पर होगा पेरीमीटर में फेंस कराना है उसको जो घेरना है उसको कहां पर जो पेरीमीटर है तो उसकी फेंसिंग कराना है और उसका जो रेट दिया फिफ्टी पर मीटर दिया है तो जो पेरीमीटर होगा उसमें फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकाल आएगा कास्ट ऑफ फेंसिंग तो इसका जो सॉल्व करना है क्या इसमें द रेट ऑफ कल्टिवेटिंग द रेट ऑफ कल्टीवेटिंग यह गिवेन है इक्वल थर्टी फाइव रुपी पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर मीन्स पर मीटर स्क्वायर यह गिवेन है तो द कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग यह भी गिवेन है इक्वल सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज अब एरिया फील्ड एरिया ऑफ फील्ड निकालना है तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए क्या होगा इक्वल जो कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग है कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ कल्टीवेटिंग से किससे डिवाइड करेंगे रेट ऑफ कल्टीवेटिंग से डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग निकलती है तो एरिया में से अगर हम रेट ऑफ कल्टीवेटिंग का मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ कल्टीवेटिंग का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग निकल आती है तो इसका मतलब कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग को अगर हम रेट ऑफ कल्टीवेटिंग से डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल आएगा तो यहां पर कितना है सेवनटी वन थाउजेंड सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड को डिवाइड करेंगे थर्टी फाइव से तो पहले हम देख लें फाइव से डिवाइड हो रहा है तो फाइव से डिवाइड कर लेते हैं फाइव 7 जा थर्टी फाइव और ये हो गया फाइव वन जा फाइव सेवन में फाइव माइनस करेंगे टू वन उतारेंगे ट्वेंटी वन फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी वन में से ट्वेंटी माइनस करेंगे वन आएगा फोर उतारेंगे फोर्टीन हो जाएगा फाइव टू जा टेन फोर्टीन में टेन माइनस करेंगे फोर आएगा जीरो उतारेंगे फोर्टी हो जाएगा फाइव एट जा फोर्टी और फाइव जीरो जा जीरो तो ये निकल आया फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी मीटर स्क्वायर ये एरिया निकल आया अब देखिए इसकी ब्रेथ दी हुई है ब्रेथ ऑफ फील्ड जो फील्ड है उसकी ब्रेथ गिवन है कितनी ब्रेथ इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर कितनी गिवन है 40 मीटर गिवन है तो एरिया ऑफ फील्ड इसका फार्मूला क्या होता फार्मूला राइट कर लें एरिया फील्ड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ तो ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है ये इक्वल हो जाएगा किसके एरिया के तो एरिया हमारा कितना निकला 14,280 मीटर स्क्वायर ये निकला हुआ है यहां पर लेंथ हमको फाइंड करना है ब्रेथ गिवन है 40 तो लेंथ इनटू 40 इक्वल टू फोर्टीन अब इसको आगे सॉल्व करते हैं देखिए लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको फोर्टी को ट्रांसपोज कर इधर तो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा तो फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी को डिवाइड करेंगे फोर्टी से तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा अब फोर से डिवाइड कर लें तो फोर वन डिवाइड करेंगे तो फोर थ्री जा टीन में ट्वेल्व माइनस करेंगे टू आएगा टू उतारेंगे ट्वेंटी टू हो जाएगा फोर फाइव जा ट्वेंटी और ट्वेंटी टू में से ट्वेंटी माइनस करेंगे टू आएगा एट उतारेंगे ट्वेंटी एट हो जाएगा फोर सेवन जा 28 तो लेंथ हो गई 357 मीटर ये लेंथ निकाल आई एक तो लेंथ हमको निकालनी थी क्या निकालनी थी फाइंड इट्स लेंथ लेंथ फाइंड करना था और क्या फाइंड करना आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग फेंस कास्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करने के लिए हमको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्वल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फार्मूला राइट किया है दें तो टू लेंथ हमारी कितनी निकली है given है इक्वल टू इन टू इन दोनों को ऐड कर लें तो सेवन फाइव फोर नाइन थ्री थ्री नाइनटी सेवन टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू सेवन जान की फोर कैरी रही वन टू नाइन जटीन एटीन वन नाइनटीन की नाइन कैरी वन टू थ्री जन सिक्स वन सेवन सेवन हंड्रेड फोर मीटर यूनिट आपने राइट कर दी अब रेट ऑफ फेंसिंग क्या गिवन है रेट ऑफ फेंसिंग तो रेट ऑफ फेंसिंग इज फिफ्टी रुपी पर मीटर फिफ्टी रुपी पर मीटर ये गिवन है तो कास्ट ऑफ फेंसिंग कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल जो पेरीमीटर ऑफ फील्ड आया सेवन 794 फोर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी से तो देखिए जीरो लगा दिया फाइव फोर जा ट्वेंटी की जीरो कैरी टू फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव और टू फोर्टी सेवन की सेवन कैरी फोर फाइव सेवन जा थर्टी फाइव फोर थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज आ गया तो इसमें आंसर में दो चीजें पूछी गई थी एक पूछी गई थी लेंथ ऑफ फील्ड तो फील्ड की लेंथ कितनी है तो वो निकली आपकी 357 मीटर ये फर्स्ट चीज थी सेकंड था कास्ट ऑफ फेंसिंग कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल 39,700 रुपीस रुपीज एक्सरसाइज 21 डी के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे